तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ। हाँ अच्छा, मैंने दही फेंट लिया, ठीक है, उसमें मैंने नमक भी डाल दिया। हाँ अब मैं भुना कुटा जीरा डाल रही हूँ। ठीक है ठीक है, तो अगर भुना कुटा जीरा नहीं होता तो अम्मी कहती है हाथ से ऐसे करके डाल देना चाहिए तो खुशबू अच्छी आती है। हाँ हाँ ठीक है, ये थोड़ा नहीं, भुना कुटा जीरा नहीं होता या अगर ना हो, अगर आप भून के कुटा हुआ ना हो तो साबुत जीरा लेके हाथ से मसल के डाल दें तो वो खुशबू भी अच्छी आती है, वो अच्छा थोड़ा वो उस टाइप का भी हो जाता है। लेकिन जब भूनेंगे तभी तो हाथ से कुचल सकेंगे, वैसे कैसे कुचलेंगे। लेकिन अमूमन अगर ना हो, अगर आपके पास ना हो, जैसे भुना हुआ ना हो तो वैसे ही अगर जीरा हो, सफेद जीरा, तो हाथ से भून ले यार, क्या है इसमें, क्या है तवे पे तो भूनना है खुद ही। तुम सुस्ती में भूख कह रही हो, छोड़े भूने भी ना। मैं तो ऑप्शन दे रही हूँ, अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। तो अब मक्खन वाला क्वेश्चन बना दिया, मान लिया भाई। फिर इसमें अब हम आप यहाँ देखे सारी चीजें झटपट है, कितने मजे की चीज बनाई है इसने। ठान ये तो आप जरूरी नहीं है किचन में बनाए, ये आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के बना सकते हैं, असेंबल कर लें पंखे के नीचे। मैंने दूध डाल दिया है। अच्छा दूध इसमें डाला है, दही में। हाँ जी, तुम रायता सॉर्ट ऑफ बन रहा है ना ये। यस, अब इसमें मैं खीरा और प्याज दोनों डाल दूंगी। खीरा और प्याज तुमने डाल दिए, सही है। खीरा और प्याज के साथ बीन्स भी आएंगे। यस हाँ, तो बस इसमें ये सैलेड में यही चीज़ यही है। अगर लोगों का दिल होता है कि पापड़ी भी खाएं और उनके थोड़ा यू नो रोजा है और मुझे भी पसंद है, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई नो थोड़ी और लगेगी, लेकिन पापड़ी की जगह आप कॉर्नफ्लेक्स ऊपर डाल के खाना, बहुत मजे के लगते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स मीठे नहीं होंगे, नमकीन वाले नहीं होते, नमकीन वाले नॉट द वो नहीं होते जो शुगर कोटेड, नहीं नॉर्मल वाले जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो, उसके साथ बड़ा मजा आएगा और तेल भी अपनी आप अंदर इनटेक करेंगे। हाँ सही कह रही हो, पापड़ी की जगह हम कॉर्नफ्लेक्स तो मैंने कभी सोचे ही नहीं, पापड़ी सीली हो जाती है, कॉर्नफ्लेक्स तो फिर आप रख लेते हैं बर्नी में। ओह गुड आइडिया यार, मैं लोबिया डाल दिया आपने और ये हो गई। अब आप इसमें चाट मसाले वगैरह मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप लाल मिर्चें चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के साथ अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा। यहाँ पे रेड बीन्स, yes, जो कि बहुत हेल्दी हैं, प्याज और खीरा और आपने दही के अंदर डाला है और उसमें मैंने भुना कुटा जीरा डाला, हाँ। नमक डाल दिया है, अगर आप चाहते हैं चाट मसाला डालना तो डालें, लेकिन मुझे लगता है कि वो नमक का ज्यादा इंटेक भी नहीं लेना चाहिए, चाट मसाले में होता नमक ज्यादा है। ये तो अगर आपने पापड़ी अवॉइड कर ली है तो मेरा तो बहुत ही लो रहता है, मेरा भी बहुत लो रहता है, मैं तो बहुत नमक खाती हूं, मेरा बीपी भी लो रहता है, मेरी शुगर भी लो रहती है। फिर आप लोग दबा के चाट मसाला है क्या ये? तो ये तो बड़ी मजे की चाट तैयार हो गई, डिफरेंट है ना, ठंडी ठंडी। अच्छा यहां पे अगर हम सैरी में भी खा सकते हैं, हाँ इसको हम सैरी में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें बीन्स है, बीन्स आपका पेट भरा भरा रखेंगे और दही आपके मैदे को ठंडा ठंडा रखेगी। अच्छा